ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में, इसमें थोड़ा सा अलग है, कुछ अलग ये है कि आपने यहाँ रिलेशन दिया होगा, आप स्ट्रीम वाला टाइम और डाउन स्ट्रीम वाले टाइम का रिलेशन दिया होगा। ओके, तो ये थोड़ा सा ट्रेन वाले जैसे क्वेश्चन हम करते थे वैसे बन जाएगा। देखिए, स्वाति कैन रो हर बोट एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है ना। तो स्टिल वाटर में उसकी स्पीड बोट की, तो एक पॉन्ड बना लेते हैं देखिए, और पॉन्ड है ये, पॉन्ड में पानी रुका रहता है, ठीक है ना। तो इसमें 5 किलोमीटर पर आवर है बोट की स्पीड, बोट स्पीड। फिर देखिए ऐसे करके हम बना लेते हैं, ये वाटर का फ्लो है, ये स्ट्रीम का फ्लो है, ठीक है। ये क्या है, एरो किसको दिखाता है, स्ट्रीम फ्लो को, ठीक है ना। तो ये जो बनेगा ये अप स्ट्रीम हो जाएगा, देखिए ये डॉट 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 से मैंने जो दिखाया है ये क्या है, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मतलब वाटर के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ये जो डॉट 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 से मैंने दिखाया है ये क्या होगा, डाउन स्ट्रीम, मतलब वाटर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब देखिए स्ट्रीम का फ्लो, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम का ही स्पीड मेरे से पूछा गया है, तो लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। ओके, तो लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। अब चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। बोलता है इफ इट टेक्स 1 आवर मोर टू रो द बोट 5.25 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ओके, लास्ट क्वेश्चन में कितना ऊपर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता था, 30 किलोमीटर। इस क्वेश्चन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ए से बी जाएगा तभी 5.25 किलोमीटर कवर करेगा डिस्टेंस, और बी से ए तक आएगा बोट, अगर बी से ए तक आएगा तब भी 5.2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल होगी, ठीक है ना। अब देखिए ऊपर जाने का टाइम निकाल ले और नीचे आने का टाइम निकाल ले, लेकिन दोनों में एक रिलेशन है। चलिए रिलेशन तो होगा उसे हम पढ़ लेते हैं। पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये बताइए कि ऊपर मतलब अप स्ट्रीम मतलब वाटर के फ्लो के अगेंस्ट जाने में ज्यादा टाइम लगाएगा, या डाउन स्ट्रीम मतलब अलोंग द वाटर आने में ज्यादा टाइम लगाएगा। तो आंसर है अप स्ट्रीम जब जाएगा तो ज्यादा टाइम लगाएगा, क्योंकि वाटर उसका पोस कर रहा होगा, है ना। तो उसकी जो रिजल्टेंट स्पीड होगी वो डिक्रीज हो जाएगी बोट की, है ना। तो इस तरीके से तो समय कब ज्यादा लगेगा, जब वो वाटर के फ्लो के अगेंस्ट मतलब अप स्ट्रीम में समय ज्यादा लगेगा। और अगर अप स्ट्रीम में समय ज्यादा लगेगा तो वही क्वेश्चन में बोला जाता है कितना ज्यादा लगता है, देखिए कितना ज्यादा लगता है। इफ इट टेक्स 1 आवर मोर टू रो द बोट 5.25 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। ओके, नीचे आने में समय से 1 घंटा ज्यादा लेता है ऊपर जाने में, मतलब देखिए इसको मैं दो तरीके से समझ सकता हूं कि अप स्ट्रीम का जो समय होगा वो डाउन स्ट्रीम के समय से 1 घंटा ज्यादा होगा। नंबर वन, एक तो मैं ऐसे बना सकता हूं, दिस इज द फर्स्ट मेथड। ओके, सेकेंड मेथड जो हम लोग ने ट्रेन वाले में किया था, मैंने आपको बताया था कंसेप्चुअली भी सोच सकते हैं, ज्यादा समय में से कम समय को घटाएंगे। क्या मैंने बोला, ज्यादा समय में से कम समय को घटाएंगे और दोनों का जो अंतर आ रहा होगा उसको सामने लिख देंगे, ठीक है ना। तो देखिए ज्यादा समय अभी भी मैंने डिस्कस किया था कब लेता है वो अप स्ट्रीम में, तो ज्यादा समय में से मैं किसको घटाऊंगा, कम समय को, क्योंकि अलोंग द वाटर जब डाउन स्ट्रीम आ रहा होगा ऐसा तो फटाफट आ रहा होगा, क्योंकि दो स्पीड काम करेगी, एक तो बोट की प्लस स्ट्रीम की, लेकिन जब ऊपर जा रहा होगा तो बोट की जो भी स्पीड है 5 किलोमीटर उसमें से हमको स्ट्रीम की स्पीड जो कि हमने एक्स अज्यूम करी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बात है, तो देखिए ज्यादा समय माइनस कम समय इज इक्वल टू डिफरेंस, डिफरेंस कितना दिया 1 आवर का। तो आप पहले इक्वेशन से भी देखें तो 1 को आप लेफ्ट ला सकते हैं तब भी यही बनेगा, दूसरे इक्वेशन से देखें तब भी यही बनेगा। अब इसको फटाफट कर लेते हैं, देखिए अप स्ट्रीम का टाइम क्या होता है, फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इधर चला जाएगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो
तो टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले मैं बात करता हूँ, यू लिखा है मतलब आप स्ट्रीम के लिए, आप स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस कितना है 5.25 किलोमीटर, 5.25 किलोमीटर डिवाइडेड बाय आप स्ट्रीम के लिए स्पीड। देखिए आप स्ट्रीम के लिए स्पीड कैसे निकालेंगे, अभी अभी मैंने डिस्कस किया था, क्योंकि बोट ऊपर जा रही है इसलिए बोट जीतेगी, इसलिए बोट बोट विक्ट्री होगा, बोट जीतेगी, तभी तो वो ऊपर जा रही है, मतलब इतना उसमें फोर्स है कि वो वाटर के फ्लो का अपोज कर सकती है, तभी तो चढ़ रही है ना वाटर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में ना। तो इसका मतलब वाटर वाले सॉरी बोट के स्पीड में से किसको हटाऊंगा मैं, स्ट्रीम को, स्ट्रीम में से बोट को नहीं हटाऊंगा मैं, याद रखिएगा इस बात को। तो 5 माइनस एक्स इस स्पीड से ऊपर जाता है किलोमीटर पर आर, आर कहां चला जाएगा न्यूमरेटर में, और किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा तो यूनिट क्या हो जाएगी आर। इसी तरीके से डाउन स्ट्रीम का टाइम अगर मैं देखूं तो डाउन स्ट्रीम देखिए बी पे पहुंच गया वापस आएगा तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, उतना ही करेगा जितना ऊपर जाने में करता था, तो 5.25 किलोमीटर। और स्पीड अप कितना हो जाएगा बताइए, ऐसा नीचे जब बोट आएगा तो उसकी खुद की तो रहेगी रहेगी 5 किलोमीटर पर आर, और साथ में उसमें हम किसकी ऐड कर देंगे स्ट्रीम की, है ना। तो कितने स्पीड से आएगा 5 प्लस एक्स किलोमीटर पर आर से, तो उसकी भी यूनिट आर ही बनेगी। अब इक्वेशन में चलिए देखिए रख देते हैं, सॉल्व कर लेंगे टी यू। अब स्ट्रीम कितना दिया है 5.25 डिवाइडेड बाय 5 माइनस x, ओके माइनस लगा है लगा देंगे। डाउन स्ट्रीम का टाइम कितना है 5.25 डिवाइडेड बाय 5 प्लस x, 5 प्लस x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1। अब आप इसको इजीली देखिए सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं होना चाहिए आई थिंक, ठीक है ना। लास्ट टाइम क्या था कि ऊपर जाने और नीचे आने का टोटल टाइम दिया हुआ था ना 4.5 घंटे, तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया था। इस बार टोटल टाइम मुझे नहीं दिया, मुझे कुछ रिलेशन दिया है। रिलेशन क्या दिया है कि ऊपर जाने मतलब आप स्ट्रीम मतलब वाटर के फ्लो के अगेंस्ट जाने में जो समय लगता है वो नीचे आने मतलब वाटर के फ्लो के डायरेक्शन के अलोंग आने के समय से 1 घंटा ज्यादा है, ओके। अब देखिए यहां अगर मैं ऐसा ब्रैकेट लगाऊं बड़ा सा तो 5.25 कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। तो 5.25 मैंने कॉमन कर लिया और ब्रैकेट में मेरे को बचता है 1 अपॉन 5 माइनस एक्स प्लस नॉट प्लस माइनस 1 अपॉन 5 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1, ओके। अब देखिए इसमें इससे आपको टेंशन नहीं लेना है, 5.25 को मैं अलग से आपको करके दिखा देता हूँ, ये कोई टेंशन का विषय नहीं है। 5.25 जैसा पॉइंट हटाओगे 100 सीधा आप इसको 25 से कैंसिल करिए, ठीक है ना। देखिए 25 2 जा 50 2 इसके पास जाएगा तो 25 बन जाए 25 25 4 द 100, ठीक है ना। तो 25 से आप 5 से भी कैंसिल कर सकते हैं, तो 5.25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21/4 इन द ब्रैकेट। अब देखिए a plus b into a minus b डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस x का स्क्वायर कितना होता है x स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा 5 प्लस x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा किससे 5 माइनस x से, ध्यान रखना है ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि यहाँ माइनस बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो ये इधर जाएगा और नीचे दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे इज इक्वल्स टू 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 21/4, ठीक है 5 प्लस x माइनस प्लस माइनस 5 हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस x हो जाएगा डिवाइडेड बाय 25 माइनस x स्क्वायर। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इजीली बना सकते हैं, 5 से 5 देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये 1 के इक्वल चल ही रहा है, ओके। देखिए x प्लस x कितना हो जाएगा ये 2x ओवर 25 माइनस x स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 21/4 21/4 = 1/1।
नाउ इससे बढ़िया तो देखिए यहाँ पे आप कैंसिल भी कर सकते थे ना, कट भी तो सकते हैं, जैसे करना हो वैसे कर लीजिए। देखिए 22 और 2 2 4 तो कितना आ जाएगा 21 into x is 21x by 2, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 into 25 is 50 plus minus minus 2 into x square is 2x square is equals to 1 by 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये पूरा 1 से होगा तो उतना ही आ जाएगा 50 minus 2x square, फिर is equals to लगा देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 21x आ जाएगा, ये लेफ्ट में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 50 minus 2x square minus 21 x is equals to 0। अब देखिए मैंने आपको बताया था शुरू में कि x square का coefficient negative नहीं होना चाहिए, मतलब ये x square का जो coefficient है minus 2 नहीं होना चाहिए plus 2, इसके लिए क्या करेंगे both side minus 1 से multiply कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा देखिए 2x square negative था, क्या हो जाएगा positive हो जाएगा, फिर 221x नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, और 50 पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 इनटू माइनस 1 इज 0। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, अब 50 का हमको फैक्टर निकालना है, नॉट 50 का, 50 को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं ऐसा, तो 50 टू जा कितना आ जाता है 100, 50 टू जा 100, मतलब 21 को ऐसे दो पार्ट्स में लिखिए कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर 21 आना चाहिए लेकिन मल्टीप्लिकेशन पर 100। तो देखिए बहुत इजी है, इसको मैंने लिखा 2x square plus 25x minus x, 25 minus 4x कर लेते हैं, हाँ minus 4x, देखिए 25 minus 4 कितना होता है 21, और 25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे minus 4 से तो कितना आएगा minus 100, तो बिल्कुल करेक्ट है, minus 50 is equals to 0। अब देखिए कॉमन ले सकते हैं आप, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 2x plus 25 minus, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा, तो माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा 2x plus 25, ओके इज इक्वल्स टू 0 हो गया। Now, अब देखिए पूरा ब्रैकेट ऐसे लगाया, पूरे ब्रैकेट में से कॉमन क्या आ रहा है 2x plus 25, ओके ये हो गया 2x plus 25, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया, हाँ और आप लिखते रहिएगा 2x plus 25 दूसरे ब्रैकेट में आ गया x minus 2 is equals to 0, फिर से भाई दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कितना है 0, इसका मतलब या तो फर्स्ट क्वांटिटी 0 होगी या तो सेकेंड, तो एक बार इसको जीरो रखोगे तो 2x plus 25 is equals to 0, तो x is equals to कितना हो जाएगा minus 25 by 2, but speed negative नहीं हो सकती तो ये नहीं चलेगा, इसको हम छोड़ देंगे, फिर x minus 2 is equals to 0 रखेंगे तो x is equals to कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आ, इसका मतलब जो स्ट्रीम का फ्लो था उस स्ट्रीम के फ्लो की स्पीड कितनी है 2 किलोमीटर पर आ, ओके।